भाई आपने कितने बजे रिपोर्ट किया था वहाँ सेंटर पे? अच्छा, मैं 4:30 बजे सेंटर के आगे चला गया था सर, जोधपुर तो वहाँ जो आपका जोधपुर में था है भाई? अच्छा, में। तो वहाँ पे आपका रनिंग चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग करवा रहे थे या जो पहले जा रहा था उसको पहला ग्रुप मिल रहा था? चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग? टेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग बाद में फिर ग्रुप बना रहे थे, दो चार अच्छा, ग्रुप बने थे। हाँ, चार ग्रुप। तो आपकी रनिंग फर्स्ट ग्रुप में हुई थी या सेकंड? सेकंड में अच्छा, तो कितने का ग्रुप था आपके रनिंग का, कितने कैंडिडेट हमसे पहले था, उसमें 100 थे, हमारे वाले में 89 थे? 89 थे। अच्छा, थे। तो रनिंग के लिए ले जाएगा। तो आपका जो रनिंग होता है जोधपुर सेंटर पे, वो रोड पे होता है या कोई ग्राउंड वगैरह है, कैसा है? कुछ रोड है, रोड इसमें रोड चौड़ी है, दौड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती बच्चों को? अच्छा, दिक्कत नहीं होती, चौड़ी बहुत है रोड तो। मतलब कैसा ट्रैक है? रोड है जो सीधी है या टेढ़ी मेढ़ी है या चौकोर है, मतलब कैसी है? मोड़ तो है, उसमें 3-4 मोड़ आते हैं, ब्रेकर भी आते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इतनी, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, रनिंग में क्या कैसा रहा? कोई कितने कैंडिडेट आउट हुए थे? अच्छा, एक कैंडिडेट आउट हुआ था, पूरा रनिंग में टाइम पूरा दे रहे हैं, मतलब 7 मिनट? टाइम मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आपको PFT 2 के लिए ले जाया गया। तो पुशअप सेटअप स्क्वाड में, पुशअप में क्या कैसा था, कितने कैंडिडेट आउट हुए? अच्छा, पुशअप में हमारे हो गए थे, 4-5 लड़के आउट हुए थे, जैसे पुशअप तो जो पुशअप में होल्ड करा रहे थे या नॉर्मल पुशअप करवा रहे? 5 सेकंड होल्ड, अच्छा, तो होल्ड में वो काउंट कर रहे थे 2 3 1, मतलब 2 3 4, फिर आप ऐसे? अच्छा, हाँ, तो 5 सेकंड पर पुशअप होल्ड था मतलब। अच्छा, पोजीशन जब बनवाई थी तब भी होल्ड करवाया था पोजीशन में कि नहीं होल्ड करवाया था? पोजीशन अच्छा, उसके बाद जब सेटअप हुई तो सेटअप में भी होल्ड ले रहे थे क्या, जब हाथ डाउन करवाते हैं सेटअप में? हाँ, सेटअप में थोड़ी सी गलती होती है, जाओ जाओ निकलो बाहर निकलो, ये चेस्ट नंबर बाहर निकलो, ये चेस्ट नंबर, थोड़ी सी गलती होती है, निकाल दिए थे। अच्छा, किस गलती में निकाल लेते हैं? जैसे जिसका घुटना वगैरह उठ जाता है उठने में, या पंजे उठ जाते हैं? जैसे या फिर हाथ सीधे जैसे पैरेलल नहीं रहते ना जमीन के, हाँ, तब हो जाता है, और कोई अच्छा, ज्यादा बैठ रहा था, कोई ज्यादा खड़ा हो रहा था उसके, उसलिए। वो हाँ, नहीं, वो तो भाई स्क्वाट हो गई, सीटअप जो लेट के मारी जाती है उसकी बता रहा हूँ। उसमें नहीं था, अच्छा, उसमें नहीं था। तो स्क्वाट में बंदे काफी आउट करे हैं? लगभग ये 20-22 लड़के कर दिए आउट। अच्छा, वो पोजीशन की वजह से, कोई ज्यादा बैठ रहा होगा, कोई कम बैठ रहा होगा, या किसी का हाथ ज्यादा मतलब आगे झुक रहा होगा, उसमें तो आउट होते हैं कैंडिडेट। तो उसके बाद आपका वो सब क्लियर हो गया, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ होगा? चलो, उसमें तो टाइम लगा होगा काफी। हाँ, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, आपको उसके बाद आपके सेंटर पे GD में कितने कितने का ग्रुप बन रहा था? बताइए। जीडी में हमारा 20-20 का बन रहा था ग्रुप है। अच्छा, तो आप जब गए तो आपके ग्रुप में क्या टॉपिक था? हमारे था ये इसका मीडिया, फ्रीडम मीडिया, फ्रीडम। अच्छा, फ्रीडम ऑफ मीडिया। हाँ, अच्छा, तो मतलब वहां पे जो वो बोल रहे थे इंट्रो में, कुछ स्किप करवाया था CEO साहब ने आप लोगों से? इससे हम हमारे से पहले हुआ था ना जिनका, हाँ, तो स्किप करवा दिया था, हमारे वाला नहीं करवाया था। अच्छा, तुम्हारे वाले में मतलब बोल दिया अपना अपना इंट्रो दो, कोई स्किप मतलब कुछ नहीं बताया? अच्छा, तो जैसे आपने वो जो रफ सीट वगैरह फेयर सीट में थी, तो जो वो CEO सर वो नरेट कर रहे थे, तो कितनी स्पीड में कर रहे थे? लिख सकते हो रफ सीट में आराम से कि थोड़ा तेज बोल रहे थे? ज्यादा स्पीड तो नहीं थी, नॉर्मल ही थी, जैसे थोड़ी स्पीड भी थी लेकिन ज्यादा स्पीड भी नहीं थी, ऐसे मीडियम साइज की अच्छा, मीडियम। तो आपने कितने पॉइंट अगर रफ सीट पे मतलब अप्रोक्स नोट करे होंगे? अच्छा, थी। रफ सीट भी मैंने किए थे 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। अच्छा, जब उसके बाद वो 10 मिनट टाइम मिला फाइनल सीट के लिए, तो फाइनल सीट में आपने पैसेज में लिखा था या पॉइंट वाइज लिखा था? पॉइंट वाइज लिखा था मैंने तो उसमें कितने पॉइंट लिखे होंगे फाइनल वाले में? तो, 5-6 पॉइंट लिख दिए करीब, समथिंग अच्छा, जो समथिंग। बीच का पेज रहता है तो जो तो उसमें मतलब पूरा भर भी नहीं पाया होगा 5 6 पॉइंट में, थोड़ा रह ही जाता है जगह। हाँ, कईयों ने तो पीछे भी लिख दिया, पीछे वाला देख रहे नहीं थे, बाद में हाँ, वो नोट उन्हें आगे से मतलब होता है वो। तो मेंटेन कैसे की है और कैसे कैसे लिखा है, उस हाँ कटिंग है वो। हाँ हाँ वो तो होता है। ठीक, तो मतलब राइटिंग वगैरह तो उसमें मैटर नहीं करती है इतना ज्यादा? मैटर नहीं करती है, कोई हाँ, मैटर अच्छा, जैसे वो इंट्रोडक्शन हो गया, तो इंट्रोडक्शन में मतलब 1 मिनट टाइम दे रहे होंगे सेंटर पे, 1 मिनट में? नहीं, 1 मिनट का टाइम है, पूरा 1 मिनट अच्छा, का। तो जैसे वो इनिशिएट करने के लिए उन्होंने बोला था, या मतलब एक पर्टिकुलर कैंडिडेट चुना था कि भाई उसी को इनिशिएट करना है, या मतलब?
नहीं लोग पहले शुरू से कह दिया था कि आप स्टार्टिंग कर दो, बाद स्टार्टिंग करने बाद खुद जीडी स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो जीडी में फिश मार्केट वगैरह तो नहीं बन रही थी आपके में कि बन रही थी? फिश मार्केटिंग बन रही थी, फिर 20 जनों के दो ग्रुप बना दिए, 10 10 के, 10 10 10 जने एक साथ बोले, फिर 10 एक साथ बोले, वैसे दो बना दिए हाँ हमारी। हाँ अच्छा, तो आपने कितनी बार पार्टिसिपेट करा था जीडी में? अच्छा, 3 बार 3 बार। अच्छे से मतलब बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे हाँ जो बंदा बोल नहीं पा रहा था जीडी में, तो उसको सीईओ साहब ने स्पेसिफिक चांस दिया कि कैंडिडेट आपने कुछ नहीं बोला, आप कुछ बोलना चाहेंगे, ऐसे चांस दिया गया? हमारे वाले में नहीं दिया, हमारे बाद में जो दूसरा ग्रुप बना था ना 10 का, जी, उसमें कहा था 4 लड़के नहीं बोल रहे थे, उनको स्पेशल कहा रहता है आप बोलो आप बोलो आप बोलो, चारों को कहा था अच्छा, चारों को मतलब। हाँ, आप तो डिबेट करोगे। आपके जैसे जब पूरा ओवरऑल जीडी हो गया, तो आपका रिजल्ट आया, तो आपके में अप्रोक्स कितने बंदे आउट हुए होंगे जीडी में, कुछ अंदाजा है? अप्रोक्सीमेटली जीडी में हुए थे 37,000। 70, 37,000 जीडी में, जीडी में 37,000, जीडी जीडी में? में 37 बता रहे हैं लड़के। अच्छा, मतलब नहीं, आपके जैसे 20 का ग्रुप बना था, तो उसमें कितने है? मतलब एक दो तीन, कितने है? तीन निकले थे हमारे अच्छा, वाले फिश तो वो तीन कैंडिडेट कैसे थे? मतलब वो फिश मार्केट बना रहे थे या मतलब वो कुछ? मार्केटिंग बोल रहे, एक तो बोल नहीं रहा था एकदम, एक पे फिश मार्केटिंग कर रहा अच्छा, हाँ वही। था, आउट ऑफ जैसे जैसे बोल रहा था टॉपिक हाँ, तो उसके बाद रिजल्ट विजल्ट आया होगा, तो जो आउट हुए होंगे उनका चेस्ट नंबर बोल के आउट कर दिया गया होगा, फिर आपका मेडिकल वगैरह फॉर्म भरवाए गए होंगे, वही है ना? वही। तो मेडिकल डेट कब का मिला है आपको? कहाँ 17 तारीख को मिला पे मेडिकल मिला है आपको भाई? जैसलमेर। अच्छा, जैसलमेर। तो ओवरऑल अगर आप सेंटर के बारे में बताना चाहेंगे, तो मतलब क्या बताना चाहेंगे, ठीक है या मॉडरेट है, क्या चीज में कठिनाई है या क्या चीज? कठिनाई तो इतनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती इतनी तो। अच्छा, फिर फिजिकल का अगर रिव्यू देना चाहेंगे तो क्या बताएंगे, इजी है कि मॉडरेट है या हार्ड है फिजिकल के लिए? फिजिकल भी इतना हार्ड नहीं होता जोधपुर का, पुशअप अच्छा, मतलब मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं, केवल पुशअप थोड़ी वो होल्ड कराते हैं बस। होल्ड करवाते हैं 5 सेकंड का, और ये सेंटरिंग का टारगेट ही इनका ही होता है, मैन ज्यादा देखो हाँ। आप। अच्छा, और जीडी का अगर रिव्यू देना चाहेंगे, तो जीडी के बारे में क्या बोलेंगे कि मतलब इजी है या मतलब मॉडरेट है? इतना ज्यादा नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ 2 बार पार्टिसिपेट, 3 बार पार्टिसिपेट कर दिया ना तो क्लियर हो जाता है बंदे का, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। वही, हाँ मतलब वही है ना, बंदे वही आउट होते हैं जो फिश मार्केट का पार्ट बनते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते हैं। हाँ उनको निकाल देते हाँ हैं। ना, चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवरऑल बस रिव्यू लेना था यार, वो बहुत से कैंडिडेट का डाउट था, इसी वजह से आगे। मैंने खुद नहीं गया, रिव्यू लिया था आपसे, मांगा था पहले जोधपुर का, हाँ, फिर वो मिल गया, तो फिर कोई दिक्कत। बताएं, अभी आप तो चलो हो गया, अब आगे वाले कैंडिडेट को भी दिक्कत होती है, इससे पढ़ा रहता तो कुछ तो हेल्प हो जाती है बच्चों की। हाँ बहुत ज्यादा हो इसीलिए गई। ठीक है भाई, मेडिकल के लिए बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाइएगा। ठीक है ठीक भाई। ठीक ठीक